गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अभी मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि अभी मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। लेट मी अप विद अ ब्राइट स्माइल ऑन नाउ, मी इन द डार्क सो वोंट गेट लॉस्ट नाउ, टू द मूनलाइट आई सी यू आर रियल राइट नाउ। सब्जी मार्केट सब्जी लाने, और मैं वीक में बस एक ही बार सब्जी लाती हूँ और उसको अच्छे से क्लीन करके और अच्छे से स्टोर करती हूँ ताकि जो मेरा सब्जी है वो एक हफ्ता और कभी कभी एक हफ्ते से ज्यादा भी मेरा अच्छे से स्टोर हो जाए और कुछ भी खराबी ना हो उसमें। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग भी अपने सब्जी को इस तरह रखिए ताकि आप लोगों का भी सब्जी बिल्कुल भी खराब ना हो। तो ये रहा सब्जी, इसको मैं अच्छे से पहले क्लीन कर लूंगी। You need me, I know that you've been waiting. Dial my number twice, promise I'll pick up the line. I see you're worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. सब्जी को अच्छे से धो के मैंने रख दिया है और अभी इसका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए उसके बाद मैं इसको स्टोर करूँगी। तो अभी पानी अच्छे से ड्रेन हो चुका है, फिर भी मैंने इसको एक क्लीन टॉवल के ऊपर रख दिया है ताकि अगर थोड़ा सा भी पानी इसके अंदर है तो वो भी अच्छे से सूख जाए। बहुत सी सब्जी है जिसको हम लोग अच्छे से कट करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं ताकि बाद में हम लोगों को काम करने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो इसलिए जो जो सब्जी मैं कट करके फ्रिज में स्टोर कर सकती हूँ उसको मैं कट करके स्टोर करूँगी, और जो जो सब्जी मैं कट करके स्टोर नहीं कर पाती हूँ उसको मैं ऐसे ही स्टोर करूँगी। गोभी को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसके बाद मैंने इसको पानी में भिगो के रखा है और इसके अंदर मैं दूंगी थोड़ा सा नमक और इसको ऐसे ही कुछ देर मैं छोड़ दूंगी। तो मैं अभी पत्ता गोभी को भी ऐसे कट कर लूँगी क्योंकि पत्ता गोभी को कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जिस दिन मैं पत्ता गोभी का सब्जी बनाने जाती हूँ उस दिन अगर मुझे कट करके सब्जी बनाना होता है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए मैं पहले से इसको कट करके अच्छे से रख दूँगी ताकि जिस दिन मैं सब्जी बनाऊँ मेरे लिए थोड़ा आसानी हो जाए। तो पत्ता गोभी को भी मैंने अच्छे से धो लिया है और इसमें मैं डालूंगी अब थोड़ा सा नमक और ऐसे ही मैं थोड़ी देर इसको भी छोड़ दूंगी। तो इसको मैं ऐसे एक जिप लॉक बैग के अंदर स्टोर करके रखूंगी। इसके अंदर रखने से सब्जी बिल्कुल फ्रेश रहता है। अच्छे से ऐसे प्रेस करूंगी ताकि इसके अंदर कोई भी हवा ना रहे। So, भिंडी को मैं सिर्फ आगे से और पीछे से कट कर रही हूँ क्योंकि भिंडी से मुझे कभी भिंडी फ्राई बनाना पड़ता है और कभी मैं भिंडी का मसाला भी बनाती हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ आगे से और पीछे से इसको कट करूंगी।
सकते हैं, बस इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा और इसके बाद फिर से आप लोगों को जो रखना है वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। आप लोग मटन चिकन कुछ भी नॉन वेज भी आप लोग इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और अभी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी और उसको भी मैं फ्रिज में स्टोर करूंगी। मैं एक हफ्ते का अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर मैं फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। Don't need no luggage, na 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 na. Don't need no stress, girl, na 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 na. Just me and your sons are up, girl. I want nobody but you. 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 There's songs for you when you're down and bitter. Shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and Clyde, help with everybody else. You and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love, girl. तो इस वीडियो को मैं अभी एंड कर रही हूँ। अगर ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप लोग आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स अपने फैमिलीज के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।